जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लासिक्स का हिस्ट्री चैप्टर 12। इस वीडियो का टॉपिक है इमारतें, चित्र तथा किताबें। इस वीडियो में हम किस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे? आर्किटेक्चर, बौद्ध धर्म का और हिंदू धर्म का, ठीक है। इमारतों के बारे में बात कर लिया, चित्र किस तरह के उकेरे जाते थे, किताबें किस तरह की थी, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हम शुरू करते हैं कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा यह लोहा। ये जो लोहा आपको दिख रहा है ये बहुत पुराना, आज से अप्रॉक्सीमेटली 1500 साल पहले का, जो कि आज तक उसी तरह खड़ा है। अचंभव की बात यह है कि इसमें अभी तक जंग नहीं लगा, जो कि भारतीय शिल्पकारों की कला को दर्शाता है कि वाकई में वो कितने टैलेंटेड थे। ये 1500 साल पहले का लगभग अप्रॉक्सी, जितनी भी चीज़ें मैं बात कर रहा हूँ आपको, जो भी टाइमिंग है वो एग्जैक्ट नहीं है, वो अनुमान लगाया गया। इसके ऊपर चंद्र नाम लिखा हुआ, जिससे ये बात समझी जाती है कि ये जो चंद्र है वो चंद्रगुप्त है, ठीक है। चंद्रगुप्त वन हो सकता है उनके द्वारा बनाई गई हो, या फिर हो सकता है उनके उनके बच्चों के बारे उनके बच्चों ने बनाई हो पर नाम उनका लिखा गया हो, ठीक है। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। तो वास्तुकला के बारे में बात करते हैं पहले। ये जो यहाँ पर आपको ये दिख रहा है जिसे हम छत्र स्पायर कहते हैं, ठीक है। ये हर्मिका जिसे जो आप देख सकते हैं, ये बेसिकली यहाँ पर एक डब्बा रखा जाता है। इस डब्बे में बौद्ध गौतम बुद्ध की, भगवान गौतम बुद्ध की या फिर उनके अनुयायियों की कोई चीज़ें, हो सकता है वो दांत हो, कपड़े हो, इस तरह के बहुत सारी चीज़ें रखी जाती थी और हर एक स्तूप में ये चीज़ें आपको मिलेंगी। तो पहले तो ये सिर्फ इसी तरह रखी जाती थी, लेकिन अब इनमें डब्बा, उसके बाद फिर ऊपर से ईंटें लगाई गई जिन्हें हम हर्मिका कहते हैं, ठीक है। हिंदी में से धातु मंजूसा भी कहते हैं। ये जो आपको दिख रहा है ये अंडा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये अंडा कहा जाता है, अंड जिसको बोलते हैं हम। एक्चुअली में स्तूपा का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो टीला होता है, जो कि ये आप देख सकते हैं टीला ही बना होता है एग्जैक्ट। ये जो आपको तोरण दिख रहा है ये बेसिकली दरवाज़ों के पास होता है, जो कि इनकी उत्कृष्टता यानी सुंदरता बढ़ाने का काम करता है। ये आपको वॉल दिख रहा है, ये रेलिंग वगैरह, और यहाँ पर एक रास्ता है जिसे दक्षिणा पथ कहते हैं, ठीक है। इनमें वेदिकाएं हैं, रेलिंग वगैरह। तो ये चीज़ आप अच्छे से, इस चीज़ को जितने अच्छे से समझेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ये बौद्ध का आर्किटेक्चर है और ये सांची के जो स्तूप है वहाँ पे चार तोरण द्वार हैं। स्तूप के चारों तरफ चार दीवारें हैं। ये बेसिकली हम जो बात करें ये सांची का स्तूप है, ठीक है। तो इसके आर्किटेक्चर के बारे में हमने अच्छे से बात कर ली, इसलिए मैंने ये फोटो इसे लगाई थी ताकि अच्छे से कम समय में इसे समझा जा सके, ठीक है। तब इसके आगे हम बात करते हैं। अब नेक्स्ट जो समझेंगे वो है टेंपल आर्किटेक्चर के बारे में। ये जो आपको दिख रहा है ये कलश है, ये अमलक है, ये जो चीज़ दिख रही है ये आपको शिखर, जो शिखर को दर्शाता है, जो कि शिखर, इन सब चीज़ों को बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती थी। और बेसिकली होता क्या था कि जितनी ऊंचाई तक बनाना होता था उतनी ऊंचाई तक, मतलब शुरू से बहुत दूर तक, वहाँ से रोड या फिर मिट्टी कच्चे रोड बनाए जाते थे, जो कि वहाँ उतनी ऊंचाई तक जाते थे रोड। और उसके बाद जब ये मंदिर का काम यानी शिखर कलश का काम हो जाता था, उसके बाद से वो जो रास्ता बनता था उनको तोड़ दिया जाता था, ठीक है। और बाद में वहाँ पर जितने भी गाँव बसे उनको उसी नाम से बुलाया जाने लगा। हम बात करते हैं, ये हैं गर्भगृह जिनमें शिव जी, विष्णु जी या फिर दुर्गा देवी की मूर्तियां रखी जाती हैं। जो भी अनुष्ठान पूजा पाठ होते हैं वो यहीं पर होता है। हर मंदिर में, ज़्यादातर मंदिरों में ये मंडप होता है। ये मंडप में सारे लोग इकट्ठा होते हैं, सारे गेट टुगेदर होता है, यहाँ पर सारे लोग इकट्ठा होते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। ये अर्ध मंडप यहाँ पर बहुत कम लोग आते हैं। ये जो मैंने जो मंदिर का आर्किटेक्चर मैंने आपको दिखाया वो सेक्शन ऑफ
विष्णु टेम्पल का है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। हम इसके आगे बढ़ते हैं। स्तूप और मंदिर किस तरह बनाया जाता है, इनका प्रोसीजर क्या था। पहला चरण, पहले तो अच्छे से अच्छे पत्थर ढूंढने पड़ते थे। दूसरा, शिलाखंडों को निकालना पड़ता था मिट्टी के अंदर से। तीसरा, शिलाखंडों को पहुंचाना पड़ता था जहां पर ये बनाया जाना है बहुत विचार विमर्श के बाद। उसके बाद उन्हें अपने जगहों पर लगाना, यानी कि उस वक्त बना लिया जाता था कि कौन सी चीज़ें, कौन सा जो रेलिंग हम जो कहते हैं, जो पिलर, इस तरह की बहुत सारी जो चीज़ें बनती थी उन्हें लगाया जाता था, क्योंकि बहुत मुश्किल होता था। इन सब का खर्च जो था बेसिकली राजा रानी के द्वारा दिया जाता था। जो भी शिल्पकार या फिर आर्किटेक्चर इंजीनियर वगैरह जो भी काम करते थे उन्हें जो पैसा जो मेन मिलता था वो राजा रानी या फिर बड़े बड़े भूस्वामी के द्वारा दिया जाता था। सांची के अलंकृत प्रवेश द्वार यानी कि तोरण, जो कि हमने पहले देखा, उनका जो एक तोरण है उसका खर्च हाथी दांत बनाने वाले जो कारीगर होते हैं उनके संघ ने एक प्रवेश द्वार का खर्च उठाया था, ठीक है। तो आपको ये चीज़ अच्छे समझ में आ गई होगी। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। चित्रकला, पेंटिंग्स, ये जो आपको ड्राइंग दिख रही है या फिर ये जो ड्राइंग दिख रही है चित्रकला, ये चित्रकला आज से 1500 साल पहले का है, पहले बनाया गया था। बेसिकली ये गुफाओं को खोद कर बनाया जाता था और ये तभी बना है जब बौद्ध भिक्षु इन सब जगहों पर रहा करते थे। यह अजंता यानी कि महाराष्ट्र में मिली है। ऐसे बहुत सारी गुफाएं हैं जो कि स्पेशली बौद्ध भिक्षुओं के लिए या फिर जैन भिक्षुओं के लिए बनाई जाती थी। उनके लिए तो विहार कहा जाता है, इनके लिए भी विहार कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ें तभी बनाने की आवश्यकता पड़ी जब बरसात के मौसम में यात्रा करने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी, शिक्षा देने में परेशानी होती थी, जिसके कारण गुफाएँ खोदी जाने लगी और वहाँ पर ये सब चित्रकारी भी होने लगी। ज़्यादातर ये सब जो चित्रकारी है वो बेसिकली रात के समय में यानी मशालों की रोशनी में बनाए गए हैं, ठीक है। मशालों की रोशनी में ये सब बनाए गए हैं, ठीक है। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। 1800 साल पहले यानी कि 2 शताब्दी, उस वक्त प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य सिलप्पदिकारम, ठीक है, नाम थोड़ा हो सकता है ऑटो करेक्ट हो क्योंकि हिंदी में लिखने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है और सही से लिखाता नहीं है। तो सिलप्पदिकारम जो कि प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य आज से 1800 साल पहले, इसकी रचना की, जिसके लेखक थे इलांगो जो कि एक कवि थे, उन्होंने लिखी। उन्होंने इसमें कहानी जो है वह है कोवलन और कन्नगी के बारे में। कोवलन बेसिकली एक व्यापारी है और कन्नगी उसकी पत्नी है, इन दोनों के बीच की कहानी है। तो कोवलन क्या होता है, कोवलन कन्नगी से बिल्कुल भी प्यार नहीं करता और वो एक नर्तकी यानी कि डांसर के साथ जीवन बिताना चाहता है। वो नर्तकी यानी डांसर के साथ कोवलन को प्यार हो जाता है। उसके बाद ये, लेकिन बाद में क्या होता है कि कन्नगी मदुरै आ जाती है, यानी कि वो जहाँ पर रहती है शायद पुहर जगह का नाम है, तो वहाँ से वो मदुरै आ जाती है। लेकिन वहाँ पर क्या होता है, जो कोवलन होता है उसे झूठे चोरी के जुर्म में उसको बंदी बना लिया जाता है। उसके बाद फिर राजा उसे प्राण दंड दे देता है कि ठीक है इसे फांसी पर लटका दो या फिर इसे मार दो। तो ये सुनकर कन्नगी जो थी, जो कि कोवलन की बीवी थी, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है, उसे बहुत ज़्यादा दुख होता है और कहानी में ऐसा बताया गया कि वो पूरे मदुरै का विनाश कर देती है जस्ट बिकॉज ऑफ हर हस्बैंड। पता चल रहा है ना मोहब्बत की ताकत। सॉरी, तो इसके बाद एक और काव्य लिखा गया जो कि तमिल काव्य था, जो कि आज से 1400 साल पहले यानी कि 600 ईस्वी के आसपास लिखी गई, जिसका नाम था मणि मेखलई। जैसे कि पहला जो महाकाव्य हमने देखा जो जिसका नाम था सिलप्पदिकारम, दूसरा जो था मणि मेखलई जो कि सत्यनार नामक लेखक ने लिखी थी, ठीक है। इसमें भी उसी चीज़ को आगे बढ़ाया गया। बेसिकली उसमें हमने पढ़ा था कोवलन और कन्नगी के बारे में, तो इसमें बताया है
कोवलन और माधवी की बेटी की कहानी बताइए। तो अगर आपको अगर ये चीज़ें मिले, अगर इंटरनेट पे अवेलेबल हो तो आप पढ़ सकते हैं इस कहानी को। एक चीज़ मैं बताना भूल गया था, वो ये है कि मेघदूत के लेखक कालिदास बहुत फेमस है। तो मेघदूत के में भी इन्होंने मेघदूत इस कविता का नाम इसलिए कहा गया क्योंकि इन्होंने सबसे ज़्यादा जो बात की वो आसमान, बारिश यानी कल्चर के बारे में बात की, पर्यावरण के बारे में बात करी, इसलिए इसका नाम मेघदूत रखा गया। ठीक है, कालिदास आप जानते ही कितने बड़े लेखक थे, कितने बड़े हस्ती थे। ठीक है, अब हम इसके आगे बढ़ते हैं, किताबों की तरफ हम बढ़ ही रहे हैं। तो महाभारत और रामायण का नाम कैसे ना आए। संस्कृत के सबसे दो बड़े महाकाव्य रहे हैं हिंदू धर्म में, जो कि पहला है महाभारत, दूसरा रामायण। महाभारत में क्या है, उसमें कौरव और पांडवों के बीच की लड़ाई दिखाई गई है, जो कि पुरुवंश की राजधानी हस्तिनापुर की गद्दी प्राप्त करने के बीच के लिए लड़ाई होती दोनों के बीच। पुराणों और महाभारत दोनों को ही व्यास नाम के ऋषि ने संकलित किया, यानी कि कलेक्ट किया, उन्होंने ऐसा लिखा नहीं है। ठीक है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा मतभेद है, इनके बारे में लड़कर कोई फ़ायदा नहीं है कि वाकई में व्यास ने इन्हें लिखा है। तो जितना NCERT में दिया गया मैं आपको उतना ही डिस्कस कर रहा हूँ, ज़्यादा डीपली जाने की ज़रूरत है नहीं। तो पुराणों और महाभारत दोनों को ही व्यास नाम के ऋषि ने संकलित किया, और हम जो पढ़ते हैं वो व्यास नाम के ऋषि ने ही संकलित किया, हम उन्हें ही पढ़ते हैं और उन्हें ही आज पिक्चर या फिर सीरियल वगैरह के थ्रू जानते हैं। भगवद गीता जो कि महाभारत का ही भाग है। ठीक है, अब जो हम नेक्स्ट देखेंगे वो है रामायण। रामायण इसमें कहानी क्या है, इसमें कौशल के राजकुमार भगवान राम के बारे में है, जिनके पिता उन्हें वनवास भेज देते हैं। रावण सीता माँ का अपहरण कर ले जाते हैं श्रीलंका, उसके बाद भगवान राम उन्हें लाने के लिए हनुमान जी को भेजते हैं और हनुमान जी पूरी की पूरी लंका जला देते हैं। तो संस्कृत रामायण के लेखक वाल्मीकि माने जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ों के बारे में हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया, इनके बारे में और भी बहुत ज़्यादा आपको डीपली जानकारी चाहिए तो आप विकिपीडिया वगैरह देख सकते हैं, जो कि वाकई बेनिफिशियल है। कि ऐसा तो है नहीं कि आप एक रिसोर्स से आप एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ सको, इसके लिए इंटरनेट बहुत ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करता है। ठीक है, इसके आगे एक और कहानी दी गई है, ये कहानी बेसिकली एक बंदर की है। ठीक है, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, एक बार ये कहानी मैं अच्छे से डिस्कस कर देता हूँ, अगर आप चाहें तो खुद भी पढ़ सकते हैं। तो इसमें ये होता है कि हिमालय के पर्वत के पास एक पेड़ होता है, आम के बहुत सारे पेड़ होते हैं जो कि बहुत मीठे होते हैं, तो अब बहुत सारे बंदर उनको खाते रहते हैं। लेकिन एक क्या होता है, एक जो आम होता है वो नीचे गिर जाता है और नदी के सहारे होते हुए बह जाता है। तो राजा तालाब में स्नान कर रहा होता है, यानी नहा रहा होता है वाराणसी में, तो उसको ये आम मिलता है और वो इसे चखता है, तो वो बहुत ज़्यादा हैरान होता है कि वाकई में ऐसी कोई आम एग्जिस्ट करती भी है या नहीं करती है। तो वो जा कर के आम बगीचे वालों से, बहुत सारे जो भी उनके माली बगीचे वगैरह जो स्पेशलिस्ट होते हैं इस चीज़ में, वो उनसे बातें करता है कि वाकई में ऐसे आम कहाँ मिलेगा। तो वो ये चीज़ें बताते हैं। उसके बाद फिर वो राजा वहाँ पर जाता है और बहुत सारे आम खाता है। उसके बाद जब ये राजा बंदरों को वही आम खाते हुए देखता है तो इसे बहुत बुरा लगता है, और वो क्या करता है, अपने सैनिकों को आज्ञा देता है कि जाओ इन बंदरों को मार दो। तो बहुत सारे बंदर मारे भी जाते हैं। तो जो बंदर का राजा होता है वो अपनी प्रजा को बचाने के लिए पेड़ की टहनियों को लेकर आपस में एक दूसरे से जोड़कर नदी के बीच पुल का काम करता है, और ताकि पूरी प्रजा उससे उस पुल को पार कर पाए। तो उसी तरह का वो खुद को पुल बनाता है ताकि उसकी प्रजा पार हो सके। तो उसी तरह पार होते होते उसकी सारी प्रजा पार हो जाती है, लेकिन वो इस प्रोसीजर में इतना ज़्यादा थक चुका होता है कि बाद में उसकी मृत्यु हो जाती है। राजा को ये देखकर बहुत बुरा लगता है और वो चाहता है भी, ये बहुत कोशिश करता है उस बंदर के राजा को बचाने की, लेकिन वो उस चीज़ में असफल रहता है।
इस चीज़ का राजा को बहुत दुख होता है। इस चीज़ में मुझे जो एक जो नेगेटिव पॉइंट लगी है वो ये कि मतलब जानवर जिसकी हमने रिस्पेक्ट करना तो बिल्कुल ही छोड़ ही दी है, जानवर को हम वाकई में जानवर मानते हैं। सबसे पहले तो हमें खुद ये सोचना चाहिए कि हम कैसे हैं, हमसे अच्छे जानवर हैं। तो यहाँ पर भी राजा जानवरों के जगह पर जा कर के ही जानवरों की चीज़ों को खाने से ही जानवरों को रोक रहा है। आप समझ सकते हो इंसान कहाँ तक जा चुका है। उसे लगता है कि हर चीज़ पर उसका ही बस चलता है, हर चीज़ उसके लिए ही बनाई गई, बाकी सारी चीज़ें ऐसी हैं। तो यार मैं एक चीज़ और बताऊँगा कि प्लीज़ जो भी जानवर है, चाहे वो कुत्ता हो, बिल्ली हो, जितनी किसी भी तरह के जानवर हो, किसी को भी चोट ना पहुँचाएं। अगर आप उनको एक रोटी दो रोटी खिला नहीं सकते हो तो प्लीज़ उनको मारा मत करो, ठीक है, प्लीज़ उनको मारा मत करो। क्योंकि जितना तो आप खिलाते नहीं हो उससे ज़्यादा उनको मार देते हो, उनको हर्ट कर देते हो। तो उन जानवरों की भी रिस्पेक्ट करो क्योंकि वो हमसे लाख गुना अच्छे, हम भले ही वफ़ादार ना हो लेकिन हमारे जानवर हमसे ज़्यादा वफ़ादार होते। तो यार प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखना। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो बस आपको बस एक ही चीज़ करनी है, वो ये कि कीप स्टडिंग एंड बिलीविंग योर सेल्फ, पढ़ते रहिए और अपने ऊपर विश्वास रखें, एक दिन आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।